बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस. आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी. अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फिकार हुसैन दुनिया, हु इज अ रेनाउंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड ही ऑपरेट्स एट लेजर इन एस्थेटिक सर्जरी सेंटर. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी. और अक्सर यहाँ पे लोग, उनको इतनी मालूम नहीं होती है इन प्रोसीजर्स के बारे में. उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ जाए, हमें कौन सी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी चाहिए और हमें कौन सा प्रोसीजर कहाँ पर कराना चाहिए. सो वी वॉन्ट टू काइंड ऑफ इनलाइटन एवरीबडी अबाउट दैट. लेकिन फर्स्ट ऑफ मुझे शुरू करना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्मेटिक सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी. थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का यहाँ पे. एंड बीइंग अ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, आई वुड लाइक टू पुट लाइट यू नो ऑन द प्लास्टिक सर्जरी. बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के दो पार्ट्स हैं, एक इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड अदर इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी. रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, वंस वी आर डूइंग रिकंस्ट्रक्शन, यू नो समबडी, किसी को ट्यूमर हो गया, वो ट्यूमर निकाला, फिर उस गैप को क्लोज किया, बच्चे पैदा होते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, उनको करेक्ट करने के लिए, तो दैट इज़ बेसिकली रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी. एंड अदर डिवीजन इज जो कि ब्यूटीफाई करना होता है किसी भी पार्ट को, या एजिंग प्रोसेस की वजह से जो डेफिसिट होता है बॉडी में उसको करेक्ट करने के लिए उसको बोला जाता है कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी. जैसे से फॉर अपर आईलिड, लोअर आईलिड के अराउंड जो है ना, यू माइट हैव फेल्ट कि लिड बन जाती है, तो उसको निकाल लें, उसको करेक्ट करने की सर्जरी को ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है. सेम वाइज किसी की नाक को शेप देने के लिए उसको जो है ना राइनोप्लास्टी बोला जाता है. जी मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी अबाउट द नोज, बिकॉज राइनोप्लास्टिक में भी आई थिंक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि कभी कभी वो सर्जरी कराते हैं फॉर अ डिविएटेड सेप्टम, बट एट द सेम टाइम दे गेट अ नोज जॉब डन, थोड़ा सा आपका नाक छोटा करा दिया या उसे बेहतर, यू गिव इट अ बेटर लुक ओवरऑल. तो वो प्लास्टिक सर्जरी में फॉल करती है या कॉस्मेटिक? देखिए, इट कम्स अंडर डोमेन ऑफ प्लास्टिक सर्जन एज वेल एज ईएनटी सर्जन, वो दोनों क्लेम करते हैं. लेकिन बोथ आर डूइंग गुड, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन दे आर डूइंग गुड, क्योंकि वो बाकी जो पूरा नाक है उसकी रीशेप करके एंड कैन गिव यू अ बेटर एंड बेटर नोज एज वेल. अच्छा, तो डॉक्टर साहब पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग जब प्लास्टिक सर्जरी कराइए, कॉस्मेटिक सर्जरी कराने जाते हैं, तो पहले आपको कौन सी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी ज़रूरी हैं? बिकॉज पीपल जस्ट नॉर्मली गो, दे से कि अच्छा मुझे अपनी बॉडी का ये हिस्सा चेंज कराना है, बट दे डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन उनकी कोई डिजीज़ हों या कोई प्रायर प्रोसीजर्स हों. तो उनमें से वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि वट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के वेयर टू गो. Right, because there should be a very correct selection of a surgeon, you know. Ki uski qualification kya hai, uske paas experience kitna hai, and is it possible ki uske koi ek do patients dekhne ko mil jaye jinhone wo procedure karaya hua hai. Then once you are in hand of a surgeon, to wo surgeon ka kaam hai ki wo dekhe ki prior isko koi problem to nahi hai, patient aspirin pe to nahi hai, ya koi aur jo hai na iske sath एक के बजाय कोई दो प्रोसीजर साथ मिला के ना कर लिए जाए. लाइकवाइज अच्छा, तो इसमें आपको मेडिकल हिस्ट्री भी इन अकाउंट लेनी पड़ती है, आपकी जो कौन सी मेडिसिंस आप ले रहे हैं. दैट्स इंपॉर्टेंट एज़ वेल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आप बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, आपने मेंशन किया था बॉडी कंटूरिंग. एग्जैक्टली, तो बॉडी कंटूरिंग एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? बॉडी कंटूरिंग में ये होता है कि बॉडी वंस आउट ऑफ शेप बिकॉज ऑफ द फैट, एक्सेसिव फैट कैन बी डबल चिन के फॉर्म में हो या लव हैंडल के फॉर्म में हो या जो है ना किसी भी बॉडी प्रॉब्लम एरियाज जो है ना उन पे हो, तो वी कैन स्कल्प्ट इट विद अ वेजर. वेजर इज मोस्ट मॉडर्न यू नो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट्स बेस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड. साउंड वेव्स इमल्सिफाई द फैट, फैट को डिसॉल्व करते हैं, हम फैट को बाहर निकाल लेते हैं. तो ये इनवेसिव नहीं होती, मिनिमल इनवेसिव इन अ वे कि जैसे हम लोग अगर इसको कंपेयर करें विद लाइपोसक्शन, तो लाइपोसक्शन इज अ बिट यू नो डैमेजिंग द इंटरक्राइन एरियाज, जैसे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें पेन ज़्यादा होता है, ब्रूजिंग ज़्यादा होती है, रिकवरी डिलेड होती है. लेकिन वंस साउंड एनर्जी इज इन्वॉल्व ओवर देयर, यू नो विद अ वेरी स्मॉल निक वी एंटर द फ्लूइड इनसाइड एंड देन विद द साउंड एनर्जी वी इमल्सिफाई द फैट, फैट को बाहर निकाल लेते हैं. तो
हम लोग वी आर नॉट डैमेजिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो लीस्ट डैमेज होता है एंड क्विक रिकवरी होती है, लीस्ट पेनफुल होता है प्रोसीजर. तो पेशेंट्स गेट अ वेरी गुड रिजल्ट्स. अच्छा, तो फिर हमने ये बॉडी कंट्रोलिंग की बात कर ली. अब आपने लाइपोसक्शन मेंशन किया था. आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है कि लाइपोसक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, कि फैट रिमूवल बेसिकली, ये इनकी जनरल एक डेफिनेशन बनी हुई है. लेकिन लाइपोसक्शन में और क्या इन्वॉल्व होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है? आई थिंक मे बी वी शुड टेल एवरीबॉडी दैट इट्स नॉट सो सिंपल एज इट साउंड्स. देखिए, लाइपोसक्शन इज अ वेरी ओल्ड प्रोसीजर. इसमें ये होता है कि अभी तो काफ़ी उसमें एडवांसमेंट आ गई हैं, इस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, दे मूव विद द टिप यू नो, एंड फैट को एवल्स करते हैं. उससे पहले हम लोग ट्यूमेसेंट फ्लूड डालते हैं ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, एंड उसके बाद उस फैट को हम लोग विद कैन्यूलेटेड जो है वो ट्यूब्स निकाल लेते हैं बाय. लेकिन उसमें ओनली इफ अ ह्यूज अमाउंट इज डन एंड इफ इज नॉट डन बाय प्रॉपर पर्सन then is a damaging to the other areas, jaise connective tissue, blood vessels and nerves damage hoti hai, so that creates a problem, you know. So this is the least damaging in comparison. Selectivity is there in selection. I've often wondered, jab log liposuction karate hain to they tend to go for one singular part, ke unhone jaise ke stomach se fat remove karana hai ya phir thighs se karana hai, so if they go for one part, usme baki parts mein bhi farak aata hai? Does your fat kind of it does not redistribute? No, it doesn't redistribute. Wo ek hi part hai jisko wo treat karwa rahe hain, baki part as such hi rehte hain. राइट, ओके. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. हमें थोड़ा सा वेट लॉस और कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बट ऑन दिस नोट हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक ऑन ब्यूटी एंड फिटनेस.